पेड़ से तोड़ के, ऐसे तोड़ के इसको मिट्टी में, मिट्टी खोद के इसको गाड़ा जाता है। अभी इसको काटेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं है मेरे को। काफ़ी ये टेस्टी होता है, मतलब कोई ये नेचर के बीच में रहना और एक फ्रेश एनवायरनमेंट, फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब ये आपको हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम लोग तो पूरा दुनिया को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी शाम के 4:45 बज चुके हैं। एक खूबसूरत सा नज़ारा नदी का किनारे, रायमंगल नदी है ये। चिकन बारबेक्यू नहीं बना रहे, तो गाइज अभी जिस लोकेशन में आए हैं, एक्चुअली आप लोगों को बताना ही भूल गया वीडियो में शुरू में, तो एक्चुअली मैं अपना विलेज में आए हैं, गांव का घर जो है वहां पे आए हैं। तो मैं सोचा फर्स्ट कैंपेनिंग मेरा गांव पे जो प्लेस है वहां से शुरू करते हैं, तो उसके लिए मैं इस लोकेशन को मैं चूज़ किया। तो यहाँ पे लोकेशन बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को दिखाऊंगा, काफ़ी सारा जगह है। अभी तो खेती चल रहा है, मतलब पूरा ज़मीन में अभी जो चावल, मतलब चावल का खेती चल रहा है, चावल बन रहा है, तो उसके लिए अभी ज़मीन में नहीं जा सकते। तो हम लोग कैंपेनिंग यहीं पे करेंगे, इस जगह पे। तो हम लोग इस लोकेशन को चूज़ किए हैं, रात को यहाँ पर कैंपिंग होगा। हाँ, यहाँ पर कैंप फायर होगा प्लस कैंपिंग होगा इस जगह को। और लोकेशन आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए लोकेशन, ये है हमारा, मतलब ज़मीन है। अभी तो ज़मीन में धान, मतलब धान का खेती हुआ है। ये हमारा ज़मीन है पूरा, मतलब ये सीधा यहाँ पे अभी धान का खेती हुआ है ये पूरा। तो मैं सोचा था, मतलब थोड़ा उस साइड, वो जंगल टाइप का देख रहे हो, उस साइड करने का प्लानिंग सोचा था मैंने, लेकिन अभी उस साइड जाने के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा ज़मीन जाने के लिए किधर से भी जगह नहीं है। तो उसके लिए मेरे पापा को बोला, मेरे पापा बोला कि अभी उधर मत जा, अभी उधर थोड़ा मतलब रिस्की हो सकता है। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि चलो अपना घर का जो सामने ही जंगल टाइप का है यहाँ पे, यहाँ से लोकेशन बहुत बढ़िया है, तो इस जगह को स्काउट किया है मैंने। आज रात को यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, काफ़ी बढ़िया है चारों तरफ। देखिए ये हमारा पूरा गार्डन है, पूरा गार्डन है ये सब। ये एक पुष्कर है और उस साइड और एक पुष्कर है, ये और एक पुष्कर है इस जगह को। तो आज रात को हम लोग यहीं पे कैंपिंग करेंगे इस जगह को, और सामने, तो स्टे ट्यून्ड, पूरा कैंपिंग का एक्सपीरियंस रात को दिखाएंगे। एक्चुअली मेरा पापा ने, उसने मना कर रहा था कि रात को ऐसे कैंपिंग मत कर यहाँ पे, मतलब सेफ नहीं है, मतलब चारों तरफ स्नेक का बहुत यहाँ पे मुश्किल होता है, स्नेक बहुत है। तो उसलिए वो मेरा पापा जो डर रहा था, बोल रहे अभी बहुत जहरीला स्नेक चारों तरफ है, मत जा, मत कर। तो मैं बोला कुछ नहीं होगा, टेंट के अंदर नहीं आएगा, टेंट चारों तरफ से लॉक रहेगा और हम लोग फायरिंग करके रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो उसको मनाया, फिर उसके बाद हम लोग ये डिसाइड किया, रात को पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, पूरा स्टे ट्यून्ड, पूरा एक्सपीरियंस बताएँगे। लोकेशन देखो, ये जगह देखो कैसे, ये देखो, ओ तेरी, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं राजहंस। इसका जो आई है ना, देखिए इसका आई पूरा रेड,
इसका आई देखो कैसा है। डिफरेंट टाइप का ये डक है। ये देखिए फिश कैच करने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए ये जालियाँ रखा हुआ रहता है। ऐसे छोटा छोटा नाली बना के रखते हैं यहाँ के गांव का लोग, और इसको बैठा के रखते हैं तो कोई भी फिश आएगा तो इसका अंदर जाएगा तो वो फंस जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो एक तरीका है फिश को पकड़ने के लिए। देखिए अंदर फिश है छोटा छोटा। वो देखिए अंदर छोटा सा एक फिश। उई फंस गया ये लोग इसके अंदर। कुना आपको ये नेचर के बीच में रहना और एक फ्रेश एनवायरनमेंट, फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब ये आपको हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हम लोग तो पूरा दुनिया को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब पेड़ पौधों के काट रहे हैं हम लोग। कल मैं जब बाइक में आ रहा था तो मैंने देखा रास्ते पे काफ़ी सारे बड़े बड़े पेड़ को काट रहा था। मालूम नहीं इन लोगों को क्या हो गया, मतलब इतना बड़े बड़े पेड़ को काट रहा है, धीरे धीरे वो पेड़ को फिर बिख रहा है, इधर उधर सेल कर रहा है, पता नहीं क्या क्यों कर रहा है ये लोग, पता नहीं। लेकिन ये चीज़ बहुत नुकसान हो रहा है हमारे के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो सिटी में रहते हैं, जो लोग अभी तक हम लोगों को ये 2020 बहुत कुछ सबक सिखाया है, प्लीज़ आप लोग एनवायरनमेंट के लिए कुछ कीजिए, नेचर के लिए कुछ कीजिए गाइस। कुछ दुनिया को बदलना चाहिए, हम लोगों को बदलना चाहिए, हम लोग बदलना चाहिए, कुछ करना चाहिए ये वर्ल्ड के लिए, क्योंकि नहीं तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी इसको काटेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं है मेरे को। ये ताल जो होता है ना, उसका जो अंदर का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीज, वो काफ़ी टाइम रखने के बाद ऐसे सूख जाता है, तो अंदर एक मतलब खाने के लिए एक लायक अंदर एक चीज़ बन जाता है। तो उसको अभी काटते हैं, पता नहीं है मेरे को नाम, तो अभी इसको काटेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम से नहीं खाया मैंने, तो अभी इसको खाएंगे। इसको काटेंगे अभी, ये से काटेंगे। नहीं हुआ, हो गया। इसके अंदर ये दिखाते हैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से नहीं होता ये, और थोड़ा मार देते हैं। हो गया, ओहो जो लोग जानते हैं इसको क्या नाम है प्लीज़ कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या है। तो ये जो अंदर वाला वाइट वाला चीज़ है इसको खाते हैं। तो ये वाला
ये वाइट वाला निकाला है, इसको इसको खाएंगे। इसका नाम क्या पता नहीं, आप लोगों को नाम पता है तो कमेंट करके प्लीज़ बताना मेरे को, मेरे को नॉलेज हो जाएगा। मेरे को पता नहीं है इसको क्या कहते हैं एक्चुअली। ये तो ताल का जो अंदर का बीज होता है वो चीज़ है, उसका सुखा के काफ़ी टाइम सुखाने के बाद ये वाला चीज़ बन जाता है अंदर। तो इसको टेस्ट करेंगे, काफ़ी टाइम मैं खाया नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा काफ़ी ये टेस्टी होता है, मतलब एनर्जी बहुत देता है ये। अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है। मैं तो पहले बहुत खाया था लेकिन बहुत दिन बाद फिर से खा रहा हूँ मैं। विलेज साइड में ना, गांव के साइड ये सब चीज़ नेचुरली बहुत अच्छा मिलता है, ये नेचुरल चीज़ जो हमारा शहर में ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती। ये सब तो देखने को नहीं मिलता है शहर में, सिटी में आपको बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन गांव के साइड आओगे तो काफ़ी सारा चीज़ मिलेगा। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट, कहाँ रखा है, इधर ही मैंने फेंका था, हाँ मिला। ये एक पोटैटो है, एक टाइप का, मालूम नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, ये एक टाइप का पोटैटो है। इसको क्या कहते हैं, ये इसका पेड़ है, देखिए ये पेड़ में लगा हुआ है, देखिए ये एक टाइप का पोटैटो है। ये जो जब पेड़ में होता है ना तब इसको खाया नहीं जाता है, इसको पेड़ से तोड़ के, ऐसे तोड़ के इसको मिट्टी में, मिट्टी खोद के इसको गाड़ा जाता है, इसको मिट्टी के अंदर इसको, फिर इसको गाड़ने के बाद करीबन एक साल तक रखना पड़ता है उसको। एक साल तक रखने के बाद ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब एक आलू कम से कम 5-6 kg के ऊपर हो जाता है एक आलू, बस एक ही आलू एक साल के बाद 5-6 kg हो जाता है। तो उसी टाइम खाते हैं इसको, काफ़ी मीठा होता है यार, बहुत ही एनर्जेटिक है ये, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रहता है इस आलू में और बहुत एनर्जी है इसमें। तो ये भी एक टाइप का आलू है, अगर शायद आप लोगों को पता है तो किसको पता है बताओ, ये आलू काफ़ी एनर्जेटिक है आलू। लेकिन अभी जो पेड़ में अभी लगा हुआ है ना, इसको आप खा नहीं पाओगे, आपको टेस्ट नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा इसको इसी टाइम। ये देखिए पेड़ में चारों तरफ भरा है, इधर भी देखिए, ये इसका पेड़ है, ये ऐसा टाइप का पेड़ है। अभी ये मैं घर पे लेकर जाऊंगा, मेरा सिटी का घर में, वहाँ पे टॉप में लगा दूंगा। अभी शाम के 4:45 बज चुके हैं, एक खूबसूरत सा नज़ारा नदी का किनारे, रायमंगल नदी है ये, इसके सामने देखिए एक खूबसूरत सा नज़ारा, अभी सन सेट हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल नज़ारा। और इसके साथ साथ इधर देखिए कुछ लैम पत्ते खा रहे हैं, आए आजा आजा आजा, हाँ ओते क्या नज़ारा है, इधर भी एक है। तो अभी हूँ मैं रायमंगल नदी के किनारे, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, सनसेट का मज़ा लेते हुए हम घूम रहे हैं अभी नदी के किनारे। रात के टाइम हम कैंपिंग करेंगे, कैंप लगाएंगे, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम मैं अकेला और मेरे साथ मेरा भाई, तो अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तक मेरे को कुछ प्रिपरेशन नहीं है, मैं क्या करना है रात को, मतलब किस तरीके से मतलब सर्वाइव करना है, कुछ भी पता नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट टाइम क्या होता है एक्सपीरियंस। अभी थोड़ा रुक रुक थोड़ा खड्डा खोद रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऊंट को सेटअप करेंगे हम लोग, उसके बाद फायरिंग कर सकते हैं हम लोग। एक जगह में नहीं भाई, हर जगह, ज्यादा मत कर, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो गाइस हमारा कैंप फायरिंग चालू हो गया, अभी ऑलमोस्ट रात को 10 बज चुके हैं। तो अभी तो हम लोग चिकन बारबेक्यू नहीं बना रहे, कुछ पोटैटो सोयाबीन ये सब न्यूट्रलाइज लेके आए थे,
तो उसको मैरिनेट करके अभी इसमें पूरा पकाएंगे इसको। रात का हमारा डिनर यही होगा, तो बने रहिए। पूरा इंतजाम, पूरा नाइट का एक्सपीरियंस आज का पूरा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल ये हो गया, कैंप फायरिंग धीरे धीरे धीमी हो रहा है, धीमी आंच में हम लोग इसको पकाएंगे। उसके साथ रोटी लेके आए, रोटी के साथ खाएंगे हम लोग। इसको दिखा सामने से लेके, ये देखिए, ये आज का हमारा रात का डिनर। तो गाइज अभी रात के 12:30 बज चुके हैं। खाना वाना कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। थोड़ा चपाती लेके आए थे और हम लोग थोड़ा आलू का बर्बिक्यू टाइप का बनाया था। मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ अभी फ़िलहाल, मतलब काफ़ी टाइम से ही मैं नहीं खा रहा हूँ नॉनवेज, तो इसके वजह से रोटी और वो आलू आप लोगों ने देखा वो बनाया था, टिक्का टाइप का, मतलब टिक्का नहीं है उसको जलाया, मतलब कबाब टाइप का, आलू कबाब तो उसके रोटी के साथ खा लिया। तो मैं कुछ चीज़ें ध्यान दे रहा हूँ, मतलब कुछ ही टाइम से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ कि मतलब करीबन 20 मिनट से ही ऐसे मैं ध्यान दे रहा हूँ ये चीज़ हो रहा है। देख लो, हम चारों तरफ से ना कुछ अजीब अजीब मतलब आवाज़ आ रहा है, मेरे को पता नहीं क्या हो सकता है। मतलब पेड़ का भी साउंड हो सकता है, लेकिन दूसरा कुछ भी साउंड हो सकता है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं ध्यान दे रहा हूँ ये साउंड आ रहा है, पता नहीं क्या है। चारों तरफ पूरा पेड़ भरा है, पूरा जंगल टाइप का है, क्या होगा कुछ पता नहीं है। मेरे को तो नींद भी नहीं आ रहा है सही से। आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का सिचुएशन, रुक जाइए। ये टेंट ओपन करते हैं, पूरा टेंट में ओस पड़ गया। ये देखिए चारों तरफ अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ पेड़ पत्ता दिख रहा है। ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ये ऊपर अंधेरा में शायद अब लोगों को पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ अंधेरा है, जंगल है। तो इस जगह पे हम लोग थोड़ा सही लगा, इसके वजह से कैंपिंग किया है, लेकिन पता नहीं फुल नाइट क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। मेरे को तो नींद भी नहीं आ रहा है सही से नींद भी नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम, मतलब पहले जो मैं कैंपिंग किया था वो तो मैं पुरुलिया में, मेरे साथ दो दोस्त और थे, तो उसके वजह से मेरा मतलब हिम्मत था, लेकिन इसमें मैं खुद मतलब खुद आया हूँ, मेरा भाई, उसको भी एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी।